दिवाली और आपको दिखाने वाली हूँ आज कुछ नए और रहस्यमयी। आप जानते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये है कलशपुर गांव जहाँ का आपको नजारा दिखाते हैं। ये सारी खेती कर रखी है लोगों ने, काफी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग बेशक गरीब हैं पर दिल से बहुत अमीर हैं। यहाँ पर मेरा इतना अच्छा स्वागत किया गया कि मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मिला। आज मैं रिपोर्टिंग करने आई हूँ, यहाँ पर देखने आई हूँ कि क्या समस्या है। ये है हमारा पहला दिन जानने के लिए कौन से गांव में कौन सी समस्या है और उन सारी समस्या को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर लोग खेती करते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं जो कि जानकारी करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं हम उनके बारे में और आपको बताते भी हैं उन्हीं के बारे में। आइए तो यहाँ के टूरिस्टों से हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसी कैसी समस्याएं नहीं है, यहाँ पर क्या क्या हो रखा है। हम एक उधर देखिए, क्यों ना उनसे बात करी जाए, फिर हम उनसे बात करते हैं। आइए। हाय मैम। हाय। I don't know.
भाई आर यू टॉकिंग, बहुत सारी जरूरी कॉल्स हैं तो मैं आपकी बातों में बहुत ज्यादा आर्थिक व्यवस्था नहीं की। वो एक किसान है और वो पूरी तरह से किसान पर अपनी खेती पर किसान है, उनको खाद नहीं मिल रहा, उनको बीज नहीं मिल रहा, उनकी खेती अच्छी नहीं, उनको पानी नहीं मिल रहा और उनके यहाँ तक इस बार तो बारिश भी नहीं करवाई आपने, आपने ऐसा कैसे होने दिया सर? इसका जवाब दे दूं? ये देखिए खाद वाद का मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, सरकार से मतलब उसकी। वेट वेट, मुझे क्वेश्चन पूछना है लल्लू डल्लू जी से। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब कि पहला कदम चंद्रमा पे किसने रखा था? बंसीधर ने रखा था पहला कदम चंद्रमा पर। अच्छा, और दूसरा कदम किसने रखा था फिर? लो इनको इतना भी नहीं पता, जब पहला कदम उसने रखा था तो दूसरा भी उसी में रखा हुआ, ये नहीं पता इनको। अब क्या इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, तो मैं क्या करूं इसमें आके? मैं सवाल हम हाइपर नहीं होने देते, मैम से ही जवाब लेते हैं। बहुत सारी मीटिंग में जाना है तो ठीक है एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि उनके काफी सारे एग्जाम आते हैं। या 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 आप अपना सवाल बोलना चाहेंगे? नो नो, सिर्फ इसी या या नो के लिए मुझे यह बोला गया, मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ है सिर्फ। तो सर आपके पास नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अभी गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है तो आपने उसके लिए क्या प्रबंध करके रखे हैं? लो अभी तो कह रहे कि बारिश ना करवाई, बारिश करवा दी, अभी इन्हें बारिश है नहरी बाढ़ आई की देखो, मैंने ना सारे बांध बंद करवा रखे ताकि इनके गांव में कोई पानी की कमी ना पड़े। और जे सर ऐसे तो पूरे गांव में पानी भर जाएगा और अफरा तफरी भर जाएगी सर। एक सवाल, आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं आलू पाव बेचता था। तो आलू पाव की आपकी क्या जर्नी रही सर? जर्नी तो बहुत अच्छी थी, मैं एमएलए बन गया। चुप है मेरे बहन जी ने, चुप है ना, मैं भी ने बात कर लेंगे, तुम अपनी जिद लाइफ को चला रही हो इतनी देर तक, हम अपनी बात ना कर पा रहे हैं, बात तुम बता। ये बकरा सब हां तो काफी सवाल हमारे यहां पर। अरे पूरा भर पानी भर गया है, मेरी बकरी वगैरह सब तैर रही है पानी में और तुम्हारी सफेद मुंडी बकरी के सब सही है। अरे प्रभाव मेरे भाई पूछ लेते हो, जब तुम्हारी दोनों बकरियां सेम चीज खाती हैं तुम उनको अलग अलग क्यों कहते हो? दिमाग घुमा क्यों, चूजा लगाते थे